हेलो फ्रेंड्स, आज हम अ टाइगर इन द हाउस का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। अ टाइगर इन द हाउस यानी कि घर में बाघ। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम। डिस्टिंक्शन यानी एक अलग अलग होना, तो पार्टी के जो वो एक अलग ही मेंबर थे। टू हैव बैग्ड एनी गेम, तो ये जो फ्रेज इटैलिक में लिखा गया है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ग्रैंडफादर वाज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी, क्योंकि ग्रैंडफादर के हंटिंग पार्टी में बहुत सारे लोग थे लेकिन ग्रैंडफादर ही थे जो कि कुछ जंगल से लेकर आए थे, और वो था तिमोथी बाघ का बच्चा। Complete the following sentences. Toto climbed up the curtains when Timothy lost his temper. Toto कौन था? तो Toto monkey था। जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो एक चैप्टर है इंग्लिश में, द एडवेंचर्स ऑफ Toto, वो भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये Toto है monkey, ये पर्दे पर चढ़ जाया करता था। कब? जब Timothy अपना temper यानी अपना स्वभाव जो है वो लॉस्ट होने लगता था, वो गुस्सा करना शुरू कर देता था। दूसरा है कि व्हेन आई केम टू लिव विथ माय ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, यानी जब ये जो ऑथर है, जो लेखक है, ये बता रहे हैं कि जब मैं अपने दादाजी के साथ रहने के लिए आया तो मैं Timothy यानी उस बाघ का वन ऑफ द फेवरेट बन गया, यानी कि इससे भी पहले उस बाघ के कई सारे प्रिय मित्र होंगे और अब लेखक भी हो गए थे। Timothy had clean habits, यानी Timothy की साफ सुथरी आदतें थी। He would scrub his face with his paws exactly like a cat. Scrub face यानी कि अपने चेहरे को साफ करता था, साफ करना, अपने पंजों से अपने चेहरे को साफ किया करता था बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। Grandmother prophecy was that the tiger, ग्रैंडमदर की, ग्रैंड माँ की प्रोफेसी क्या थी? तो प्रोफेसी का मतलब होता है एक तरह से भविष्यवाणी, जो कि लंबे समय से कही चली आ रही होती है कि ऐसा कभी न कभी भविष्य में होगा, भविष्यवाणी आप बोल सकते हैं। तो ग्रैंड माँ की भविष्यवाणी क्या थी टाइगर के लिए? उनकी भविष्यवाणी थी कि वो जो टाइगर है वो एक दिन महमूद को अपना भोजन बना लेगा। व्हेन Timothy वाज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम, जब Timothy 6 महीने का हो गया तो उसमें एक चेंज आ गया। तो ए चेंज केम ओवर हिम, ये फ्रेज है और ये इटैलिक में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि Timothy grew less friendly, यानी धीरे धीरे उसका जो मित्रवत स्वभाव था वो जाने लगा और वो बहुत ही डेंजरस यानी ख़तरनाक होना शुरू हो गया। तीसरा है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो ट्रू है, जो सत्य है, उसके बाहर ट्रू, और जो गलत है उसके सामने फॉल्स लिखना है। तो पहला है कि Timothy एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन ए स्पेशल कंपार्टमेंट। तो अब Timothy और जो ग्रैंडफादर हैं वो लखनऊ स्पेशल कंपार्टमेंट में गए थे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड Timothy ट्रेवल हैड नो अदर पैसेंजर, तो जिस कंपार्टमेंट में दादाजी और उस बाघ ने यात्रा की, क्या उसमें कोई और यात्री नहीं थे? तो यह बात सच है। Timothy एंड ग्रैंडफादर ट्रेवल इन ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, Timothy और दादाजी ने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा की, तो ट्रू है। All passengers in the compartment thought that Timothy was a well-fed and civilized tiger. तो जितने भी passenger compartment में थे उन्होंने क्या सोचा कि Timothy एक well-fed यानी पूरी तरह से खिलाया पिलाया और सभ्य भाग है, तो ये गलत होगा क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ लिया, क्योंकि जिस compartment में वो दोनों बैठे थे उसमें तो कोई और यात्री ही नहीं था। Grandfather suggested that Timothy should be put in another cage. जब ग्रैंडफादर Timothy से मिलने के लिए जाते हैं तो वो सलाह देते हैं वहाँ के जो रखवाले होते हैं कि आप Timothy को दूसरे पिंजरे में बंद कर दीजिए। इसका कारण क्या था?
एक लियोपार्ड था, वो जो लियोपार्ड था वो बार बार तिमोथी पे दौड़ता था। अब जो करने के लिए दौड़े, मारने के लिए दौड़े, खाने के लिए या सताने के लिए, वो कंस्टेंटली रस उसकी तरफ भागता था एट तिमोथी, और तिमोथी को ऐसे करके वो बहुत परेशान करता था। टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, लिकिंग का मतलब होता है चाटना, विथ इंक्रीजिंगली रेलिश, इंक्रीजिंग यानी बढ़ना, और रेलिश का मतलब होता है स्वाद, यानी बढ़ते स्वाद के साथ। दादाजी के हाथ को वो टाइगर चाट रहा था। अब ये जो फ्रेज इटैलिक में लिखा गया है ये क्या बता रहा था, वो बता रहा था, ये फ्रेज बता रहा है कि वो जो टाइगर है स्मेल्ड फ्रेश फूड दादाजी को खाने की तैयारी कर रहा था। वेयर वॉज द टाइगर कब हाइडिंग वेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम, टाइगर कब बाघ का बच्चा, हाइडिंग यानी छिपना, कहाँ पर वो छिपा हुआ था जबकि दादाजी ने उसको खोजा। द टाइगर कब वॉज हाइडिंग एमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ ए बनियान ट्री, रूट ऑफ ए बनियान ट्री इन द तेराई जंगल नियर देहरा। तो वो जो टाइगर कब है वो बनियान ट्री के, बनियान के वृक्ष के इंट्रिकेट रूट, इंट्रिकेट यानी कि पेचीदा, जटिल जटिल जड़ों में छिपा हुआ था। और ये जगह कौन सी थी, तो देहरादून के तराई जंगल की बात थी। व्हाट डिड टोटो डू टू इंटरटेन तिमोथी, टोटो बंदर है, वो तिमोथी को इंटरटेन करने के लिए, उसका मनोरंजन करने के लिए क्या करता है, तो टोटो यूज टू पुल तिमोथी बाय द टेल, तो वह उसकी पूछ को खींच लिया करता था, क्योंकि बंदर तो स्वभाव से ही शरारती होते हैं। What did he do when Timothy lost his temper? वो क्या करता था जब तिमोथी अपना स्वभाव खोने लगता था और उसे गुस्सा आ जाता था, तो टोटो क्लाइम अप द कर्टेन इफ तिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, तो टोटो तो बंदर था वो तो उछल सकता था, तो चढ़ कर यानी कूद कर कर्टेन यानी पर्दे पे चढ़ जाता था जब तिमोथी उसको पर अटैक करना चाहता था। आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर फेवरेट, मैं भी टाइगर का एक पसंदीदा बन गया। हु इज़ आई इन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में आई कौन है, वाई डिड ही थिंक सो, और उसका ऐसा सोचना क्यों है, तो आई स्टैंड फॉर द नरेटर, नरेटर का मतलब होता है कथावाचक, जो कथा को कहानी को सुनाता है, और इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड, तो नरेटर भी वही है। वो सोच रहे हैं क्योंकि तिमोथी वुड कम क्लोजर टू हिम, क्योंकि तिमोथी उसके नज़दीक आता था, रोल ओवर ऑन हिज फीट, उसके फीट पर उसके पैरों पर घड़कता था, घूमता था, एंड प्रिटेंडेड यानी दिखावा करना, टू बाइट हिज एंकल्स, और ऐसा वो दिखाने की कोशिश करता था कि वह उसकी एंकल्स को काट खाएगा। वेयर वॉज तिमोथी मोस्ट कम्फर्टेबल डूरिंग द डे, जब भी दिन का समय होता था तो तिमोथी खुद को बड़ा ही आरामदायक कहाँ महसूस करता था, और वेयर वॉज ही ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय वो कहाँ होता था, तो दिन के समय तिमोथी अपने ड्राइंग रूम के यानी बैठक के लंबे सोफा पर आराम करता था, दिन का यह उसका अच्छा समय था, और कुक क्वार्टर में जहाँ पर कि नौकर रहा करते थे वहाँ पे वो रात को सोया करता था, और उसका कंफर्टेबल रात का वो जगह था जहाँ पे वो सोता था। वॉट वॉज ग्रैंड मदर प्रोफेसी अबाउट द कुक, प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी, ग्रैंड माँ की भविष्यवाणी क्या थी अपने कुक महमूद के लिए, और डिड इट कम ट्रू, और क्या ये सच हुआ। तो ग्रैंड मदर की प्रोफेसी थी कि तिमोथी वुड वन डे किल द कुक महमूद, कि एक दिन जो है ये तिमोथी उस महमूद को जान मार देगा, उसे खा जाएगा, क्योंकि बड़े लालच के साथ यह उसके पीछे पीछे जाता था, एंड मेक ए मील ऑफ हिम, और उसे खा लेगा, उसे अपना भोजन बना लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। What made grandfather decide to transfer Timothy to the zoo? बहुत लंबे समय तक इन लोगों ने तिमोथी को रखा, लेकिन धीरे धीरे चूँकि बाघ का तो स्वभाव ही मैजिस्टिक होता है, आप उसको घर में बांध कर उसका स्वभाव बदल तो नहीं सकते, इसीलिए वो धीरे धीरे अपने स्वभाव में आने लगा, क्योंकि जानवर था तो उसे फ्लैश मांस ये सब आदि पसंद थे, और राजा एक तरह से मैजिस्टिक है, राजसी जानवर है, तो वो पैक रह भी नहीं सकता। तो धीरे धीरे इन लोगों ने डिसाइड किया कि मैम तिमोथी को घर पर नहीं रख के इसे जू में ट्रांसफ़र कर देंगे, और दादाजी ने ऐसा डिसीजन लिया।
क्यों लिया? तो वेन तिमोथी वॉज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, जब तिमोथी 6 महीने का हो गया, ही ग्रो लेस फ्रेंडली एंड मोर डेंजरस, वह उसका दोस्ताना व्यवहार बहुत ही कम हो गया और बहुत ही खतरनाक वो रहने लगा। ही चेज द कैट, चेज यानी पीछा करना, एंड एट अ फेंस, बिल्ली के पीछे दौड़ता था, मुर्गियों को खा जाता था। ही ऑल्सो महमूद, ही फॉलोड महमूद विथ ईविल इंटेंशन, फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, महमूद उसका कुक था, ईविल का मतलब दुष्ट, इंटेंशन यानी इंटेंशन यानी भावना, वो महमूद को बड़े ही दुष्ट भावना से, दुष्ट विचार मन में लेकर उसका पीछा क्या करता था, वो सोचता था कि मैं कब महमूद को खा जाऊं। इसलिए ग्रैंडफादर ने सोच लिया कि अब हम इसको लखनऊ जू में शिफ्ट कर देंगे। व्हाट इज ग्रैंडफादर वॉन्ट टिमोथी टू बी पुट इन अनदर इनक्लोजर, इनक्लोजर यानी वही केज टाइप बंद चारों तरफ से। ग्रैंडफादर ऐसा क्यों चाहते थे कि टिमोथी को दूसरे केज में रख दिया जाए? तो ग्रैंडफादर ने देखा कि ठीक उसके नेक्स्ट में जो एक केज था टिमोथी के, उसमें एक तेंदुआ रहता था लियोपार्ड, वो बार बार इस पर दौड़ जाता था, रस करता था और टिमोथी को डरा देता था, और ये बार बार वो करता था। तो इसलिए ग्रैंडफादर के तो अपने ये बाघ थे, इन्होंने बहुत दिन तक इसको पाला पोसा, तो ग्रैंडफादर को लगा नहीं, ये तेंदुआ तो बड़ा परेशान करता है इसे, इसीलिए उन्होंने रखवाले को, कीपर को सलाह दी कि कम से कम तुम एक काम करो, टिमोथी को दूसरे केज में शिफ्ट कर दो। व्हाट शॉक ग्रैंडफादर इन द एंड, लास्ट में ग्रैंडफादर को सदमा क्यों लग गया? तो आंसर होगा कि ग्रैंडफादर वॉज शॉक टू लर्न फ्रॉम द कीपर दैट टिमोथी हैड डाइड 2 मंथ्स अगो। ग्रैंडफादर को बाद में पता चला, एक कीपर से पता चला जो कीपर की ग्रैंडफादर को जानता था, जब वो टिमोथी को देने आए थे तो वो तो ग्रैंडफादर तो जानते नहीं थे, उन्हें लगा ये तो हम अपना वाला टिमोथी, अब सारे बाघ तो एक जैसे ही होते हैं, उनमें वेरिएशन तो होता नहीं है, तो ग्रैंडफादर को लगा ये उनका टिमोथी है। लेकिन उन्हें कीपर से पता चला कि ये उनका टिमोथी नहीं है, उनका टिमोथी तो 2 महीने पहले निमोनिया से मर गया, और ये जो बाघ यहाँ पे आया है वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और इसका रिकॉर्ड तो बहुत ही ख़राब है, और ये ग्रैंडफादर के हाथ को चाट भी रहा था। शूट एनिमल्स विद अ कैमरा नॉट विद अ गन, एनिमल्स को कैमरा से शूट किया जाना चाहिए, उसकी तस्वीर खींची जानी चाहिए, गन से नहीं उड़ा देना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ये ट्रू है कि आप सभी तरह के विल्ड बीस्ट को, बीस्ट यानी जानवर, बी फ्रेंड नहीं कर सकते, उसे अपना दोस्त नहीं बना सकते, बट दैट डज नॉट गिव यू अ लाइसेंस टू हंट देम ऑल फॉर योर प्लीजर, लेकिन ये किसी भी इंसान को इस बात का लाइसेंस नहीं देता है कि आप अपने मनोरंजन के लिए, प्लेजर यानी प्रसन्नता के लिए, उन्हें जान से मार दें। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव बीन शेयरिंग द अर्थ फॉर एजेस, बहुत ही लंबे समय से इस अर्थ पर ह्यूमन भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं, वो मनुष्य के जॉय को, सोरो को, यानी खुशी गम सबको इंजॉय कर, ये शेयर कर रहे हैं दोनों, एनिमल्स ह्यूमंस, क्योंकि बड़े लंबे समय से अर्थ पर रह रहे हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर एग्जिस्टेंस, अगर मानव का अस्तित्व है तो कहीं ना कहीं उनमें जानवरों का भी रोल है, और इसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने लालच के कारण, ग्रीड के कारण उन्हें मार देते हैं, और ये जो एटीट्यूड है, ये व्यवहार है, ये जो स्वभाव है, वो नेचर को कहीं ना कहीं नष्ट कर रहा है। हैड देयर बीन नो एनिमल्स, अगर इस धरती पर कोई भी जानवर नहीं बचा तो अवर लाइफ वुड हैव बीन वर्थलेस, तो हमारे जीवन का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा, ये तो मूल्यहीन हो जाएगा। हेयर वी शुड नॉट शूट देम विथ ए गन, तो हमें कभी भी गन से उसे शूट यानी गन से उड़ाना नहीं चाहिए, विशु शूट देम इन ए कैमरा, हमें उसकी तस्वीर खींचनी चाहिए, और वो भी कैमरा में, ताकि हम उनके ब्यूटी को, उनके प्लेजर को, उनकी खूबसूरती को, चार्म को समेट कर रख सकें। कीपिंग पेट्स हेल्प अस टू बिकम मोर लविंग एंड टॉलरेंट, जब भी कभी हम पालतू जीव को रखते हैं तो इससे हमारे अंदर एक स्वभाव आता है, वो होता है लविंग का, टॉलरेंट का, टॉलरेंट यानी सहनशील होना। इट ऑल्सो हेल्प अस टू रिस्पेक्ट लाइफ इन एनी फॉर्म, यानी कि जीवन जो है, जैसे देखिए एक जीवन है मानव का, एक है जानवर का, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं,
तो अगर हम पेट को रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका सम्मान भी करते हैं कि जीवन तो इस फॉर्म में भी है। डू यू अग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो बिल्कुल, मैन एंड हिज पेट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। इंसान और उसके जो पालतू जीव होते हैं वो बड़े ही अच्छे मित्र होते हैं। वी ऑफन प्ले विथ पेट, पालतू जीवों के साथ इंसान बड़े ही खुश होते हैं। और वैसे लोग जो कि खास करके अकेले रहते हैं, उन्हें पेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कॉमन पेट तो कुत्ता बिल्ली हो जाते हैं। लीक आवर हैंड्स विथ अफेक्शन, अफेक्शन यानी प्यार के साथ, दुलार के साथ वो अपने मालिक के हाथों को, पैरों को चाटते हैं। कीपिंग पेट चेंजेज आवर फियर ऑफ एनिमल्स इंटू टॉलरेंस। बहुत लोगों को जानवरों से बहुत ज़्यादा भय होता है, लेकिन जब हम पेट को रखते हैं तो ये स्वभाव हमारा चेंज होता है और हम डरते कम हैं और मनुष्य में सहनशीलता की भावना आती है। और इस तरह से हम लाइफ को एवरी फॉर्म में रिस्पेक्ट करते हैं। इसे एक बहुत महान लेसन की शिक्षा ली जा सकती है कि लीव एंड लेट लीव, यानी जियो और जीने दो। हैव यू हर्ड ऑफ द सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स? व्हाट डू दे डू? एक SPCA नाम की एक सोसाइटी है, क्या आप लोगों ने इसके बारे में सुना है? और वो क्या करते हैं? तो हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिमल फ्रेंडली है। ये हर तरह के एनिमल को बचाती है, जो कि हार्ड हार्ड एनिमल जैसे कि टाइगर को, कोबरा को, फ्रॉम नीडलेस क्रुएलिटी एंड किलिंग। यानी बहुत सारे लोग जो किल करते हैं, क्रूरता उस पर दिखाते हैं, उससे ये उसे बचाने का काम करती है। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप पूरे चैप्टर्स की, पूरे बुक के चैप्टर्स की समरी क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं।